हेलो क्लास थ्री स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को हिंदी का क्वेश्चन आंसर पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, एक क्या है क्लास थ्री के विद्यार्थी के लिए है, ये है क्लास थ्री तृतीय श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए है एक भाप का इंजन। यहाँ पर देखिए एक भाप का इंजन कहानी। आज हम लोग भाप का इंजन का थोड़ा हम लोग इसके बारे में जान लेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर भी करना है। ठीक है, अभी हम लोग भाप का इंजन का कहानी पढ़ेंगे। भाप मतलब आप स्टीम होता है ना, उसको किस तरह से इंजन बनाया जाता है, किस तरह से हम लोग विभिन्न प्रकार का इंजन होता है ना, जैसे रेलगाड़ी का इंजन होता है उसी तरह किस तरह से बनाया जा सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत समय पहले की बात था, एक छोटा लड़का था, उसका नाम था जेम्स वाट। ठीक है, जेम्स वाट पढ़ने में बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसे थोड़ा पढ़ाई में उसे ध्यान नहीं था। पढ़ाई के ध्यान के अलावा उसको क्या था, किसी चीज की खोज के बारे में, कोई भी चीज की खोज के बारे में बचपन से ही वो जानना चाहता था कि क्या से क्या बनता है, किस चीज से क्या बन रहा है, रेल किस तरह से बनता है, पंखा किस तरह से चलता है। इस तरह से बचपन से उसका बुद्धि तीव्र बुद्धि होने के कारण वो हमेशा यही सोचता रहता था। एक दिन क्या हो गया, उसकी माँ खाना बना रही थी। ठीक है, खाना बना रही थी और वो जेम्स वाट घर में बैठा था, स्कूल नहीं गया उस समय, स्कूल नहीं गया था। तब अचानक मम्मी उसका माँ खाना बना रही थी, बाद में किसी काम से वो बाहर चली गई। तब उसमें क्या क्या था, एक चूल्हा था। यहाँ पर क्या है, सपोज एक क्या है चूल्हा। ठीक है, एक चूल्हा। तब चूल्हा में उसने क्या किया था, एक डेक्सी में मतलब एक बर्तन में कुछ क्या कर रहा था, खाना बना रहा था। लेकिन एक क्या एक बर्तन है और यहाँ पर ढकनी है और यहाँ पर बहुत सारा क्या हो रहा है, धुआं निकल रहा है बर्तन में। और एक चूल्हा, पहले समय में तो गैस नहीं था, चूल्हा का समय था ना, किसी कोयला से खाना बनाते थे, गोबर गोबर के उससे खाना बनाते थे, लकड़ी से बनाते थे। तब उस समय उसने इस तरह का चूल्हा था, इस तरह यहाँ पर देखिए पिक्चर में इस तरह का चूल्हा था। पहले समय में यहाँ पर इसकी डेक्सी में, इस तरह का डेक्सी में जो बर्तन में खाना बना रहा था। तब माँ किसी कारणवश बाहर चली रही थी, दूसरा कमरा में गई थी। तब अचानक एक जेम्स वाट देखे यहाँ पर, एक जेम्स वाट उसका आवाज आ रहा था बर्तन का, जो ये जो भाप है ना ये निकल रहा था, उसका थोड़ा आवाज आ रहा था। उसने उस रूम में गया और रसोई घर में गया और देखने लगा तो उसका भाप से जो ये ढकनी है, ये जो ढक्कन है वो बाहर उछल रहा है। ठीक है, बाहर उछल रहा है और यहाँ पर पूरा धुआं ऊपर निकल रहा है। तब वो देख रहा था तब अचानक दूसरा रूम से मम्मी का आवाज आएगी, यहाँ पर बेटा कितली से क्या हो रहा है, पानी पी रहा है, बहुत ज्यादा निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर कुछ लगा दो ऊपर में और यहाँ पर लगा दो, उसको अच्छी तरह से बंद कर दो बोल के बोला। तब उसने मम्मी के बात सुनकर यहाँ पर ऊपर में क्या किया और ये एक कुछ लगा दिया, कुछ ढकने के लिए, और ढकने के लिए जो होता है ना उसमें लगा दिया। लेकिन बाद में फिर देखता है कि और क्या रहा है, उछल रहा है वो कितली का जो डेक्सी का बर्तन का ढकने, बहुत उछल रहा है, उछल का नीचे पानी गिर रहा है, यहाँ पर पानी गिर रहा है और इधर बहुत गैस जा रहा है ऊपर से। तब उसने यह सोचा यार किस कारण से ऐसा हुआ, तब उसने यह सोचा कि ओ इस भाप के कारण से, इस भाप की शक्ति इतना है कि जो बर्तन का जो ढकनी है, यहाँ पर जो कुछ उस बर्तन में कुछ रखा है, फिर भी उसका शक्ति से, भाप की शक्ति से बाहर उछल रहा है, ऊपर उछल रहा है। मतलब इसमें भी हमें कुछ काम की चीज होता है बोल के उसने सोचने लगा। और बाद में दूसरे दिन फिर क्या हुआ, फिर वह उछलने लगा, इतना मतलब उछलते रहा। तब
बढ़ती हुआ जानना चाहता था कि ढक्कन खर खर क्यों कराए। तब वो उसको विचार आया कि अरे ढक्कन अभी तक आवाज आ रहा है, अभी तक ये ढक्कनी उछल रहा है, क्यों आवाज आ रहा है, खर खर करके क्यों आवाज आ रहा है। तब माँ रसोई घर से बाहरी थी, जेब से देखा कि पतली के ढेर सारी भाप ऊपर को उठी, ऊपर बहुत उठ रहा है, ठीक है देखिए। और ऊपर उठते जेब से सोचा कि अच्छा तो भाप को और ढक्कन को बार बार उठा रही थी, तो इससे ही वही जेब से भाप की शक्ति को पता लगा लिया, पर उसका उपयोग कैसे है वह सोचने लगा। तब उसने इस तरह का भाप है ना वो किस तरह से उछलने लगा वो सोचने लगा। यही बात उसको लेकर वो बड़ा सोचने लगे, इतना छोटी उम्र में सोचते सोचते उसने एक क्या किया, एक इसका पता भी लगाया, भाप इंजन का पता लगाया। और वो क्या करने लगा, एक बड़ा होकर एक मशीन का काम भी करने लगा, ठीक है मशीन होता है ना, मशीन का काम करने लगा। तब जेम्स वाले इंजन खराबी मतलब इंजन किस तरह से खराबी हो जाता है, किस तरह से बनाया जाता है, उसका भी उसने पता लगाया। और बाद में जब बड़ा हो गया तो एक वो एक कुशल कारीगर बन गया, एक कुशल कारीगर बन गया, मतलब एक धीरे धीरे उसने बहुत सारा वो उसका फिर उसने भाप की शक्ति से तेजी से चलाकर भी दिखाया और इंजन अच्छी तरह काम करने लगा। इस भाप का शक्ति किस तरह से हम किया जाएगा बोल के उसने बुद्धि से काम किया और इसका भाप का प्रयोग अपने काम पर लगाया, बुद्धि से अपने काम पर लगाया, कहाँ पर, रेल चलाने के लिए लगाया। और भाप की शक्ति से इंजन कोयले की खानों से बाहर निकालने का और धीरे धीरे भारी नावें रेलगाड़ी भी चलाने लगे। रेलगाड़ी का जो इंजन होता है उसमें भाप की शक्ति होता है ना, कोयला होता है, उसकी शक्ति उसने भी उसका प्रयोग करने लगा, वहां पर भी उसने प्रयोग करने लगा। जब बड़ा होगा वो एक महान वैज्ञानिक बना, ठीक है वैज्ञानिक मतलब साइंटिस्ट बना। अभी भी उसका नाम अभी तक क्या है संसार में अमर है। इसलिए इतना छोटे समय में भी जेम्स वाट ने एक भाप इंजन का पता लगाया और बड़े होकर उसने इसी तरह का काम करने लगा, एक महान वैज्ञानिक बना। तो अपने परिश्रम से हम लोग, अपने परिश्रम ईमानदारी से हम लोग भी सब कुछ कर सकते हैं। इसके लिए हमें आलस्य को त्यागना चाहिए और हमेशा जो हम चाहते जो अपना लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें एक ही लक्ष्य को अपनाना चाहिए, ठीक है। जिस तरह जेम्स वाट का एक ही लक्ष्य था, वो एक महान वैज्ञानिक बने, कुछ खोज निकाले, तब उसने भाप इंजन का उसने प्रयोग किया, किस तरह से कहाँ पर क्या बनाया जाता है, इस तरह से उसने इंजन का प्रयोग भी किया और एक कुशल कारीगर भी बना उसका, क्योंकि उसका एक ही ध्याय था, एक ही लक्ष्य था। इसलिए बच्चों हमें इस जेम्स वाट ने हमें यह सिखा रहा है कि हमें भी कोई भी काम करने के लिए एक ही लक्ष्य को अपनाना चाहिए और कठोर परिश्रम करना चाहिए। कोई भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना पड़ता है और परिश्रम करना पड़ता है, तब केवल हम लोग आगे बढ़ सकेंगे, ठीक है। अब इस पार्ट में आप लोगों ने एक जेम्स वाट के बारे में भाप के इंजन का प्रयोग किस तरह से किया उसके बारे में हम लोग पढ़ लिया। आप अपने घर में एक बार अच्छे से बुक देखिए और अपने कॉपी पर भी लिखना है, मैं क्वेश्चन आंसर बाद में दे दूंगी, उसको घर में अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। अतः और अंतिम में हम इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी जेम्स वाट की तरह क्या बनना चाहिए, परिश्रम बनना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। हमें जीवन में कितने भी मुसीबत आने पर भी हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए धैर्य रखना चाहिए और परिश्रम करके आगे बढ़ना चाहिए। जब हम लोग फेल हो जाएंगे परीक्षा में तो लोग कोई क्या करते, फेल हो गया अब मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन ये बात सोचना गलत है, ठीक है। हमें यदि परीक्षा में कम मार्क्स मिला है तो हमें यह सोचना है कि नेक्स्ट टाइम मैं और क्या करूंगी, अच्छे मार्क्स में पास हो जाऊंगी और अच्छा मार्क्स
एग्जाम में लाभ ली। इस तरह से अपने लक्ष्य प्राप्त कर हम लोग अपने लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे और जेम्स वाट की तरह हम लोग भी एक महान और देश के लिए कुछ कर सकेंगे। ठीक है, इस आज के लिए ही इतना ही। आज मैं आप लोगों को आज इतना में ही ऑन कर रही हूँ। अच्छी तरह से वीडियो को देखें। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।